टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में डिफरेंस क्या चीज है, ठीक है? तो क्या करना है ना, टर्मिनेटिंग के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है? टर्मिनेटिंग के लिए कुछ रूल है, तो टर्मिनेटिंग के लिए कुछ रूल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कुछ रूल है। वो क्या रूल है कि कैसे पता लगेगा कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है ना कि नहीं है, है ना? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे पता लगे कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो इसके लिए रूल क्या है? इसके लिए रूल ये है कि ए रेशनल नंबर पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर पी बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ रूल्स है, वो रूल हम लिख दे रहे हैं, उसको समझाते हैं। ए रेशनल नंबर पी बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ द डिनोमिनेटर इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विल बी प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। देखिए जी, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग उसी वक्त होगा जब उसके डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 होगा या फिर नहीं तो 5 होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। एग्जाम्पल में अभी हमने लिया था, क्या लिए थे हमने, लिए थे 2 बाई 5 लिए था ना जी, 2 बाई 5 लिए थे जो टर्मिनेटिंग हमने कहा था। तो देखिए 2 बाई 5 के जो हमने कहा था कि ये 0.4 हो रहा है, तो 0.4 हो रहा है ये टर्मिनेटिंग है, पॉइंट डालेंगे तो 20 आएगा, और ये 5 नीचे तो 5 है ना जिसके डिनोमिनेटर में, इससे पहले हम उसके बाद हमने 1/2 जिसके बाद हमने 0.5 बोला है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एक्सप्रेशन में 2 है। अगर हम बोले कि 5/10 तो आप कहिएगा कि यहां पर 2 नहीं है ना 5 है, तो हमने बोला यहां पर क्या चीज, प्राइम फैक्टर। इसमें जिक्र किया गया प्राइम फैक्टर किसका, 2 का और 5 का, इसके अलावा कुछ भी होता टर्मिनेटिंग का। तो अगर हम 10 का प्राइम फैक्टर करने जाएंगे, 10 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 या 10, तो आया क्या चीज, 5/5 × 2। देखिए इसका जो डिनोमिनेटर में है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें डिनोमिनेटर में 5 है और 2 दोनों है, तो कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। और इसका वैल्यू कितना होगा, 0.5। वैसे भी पता है कि ये एक नीचे 0 है तो एक अंक के बाद से पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं तो ये 0.5 हो गया, ठीक है? तो ये जो है टर्मिनेटिंग है। उसी तरह अगर हम बोले कि 2 5/8, ये सब एग्जाम्पल है ना, अगर हम बोले कि 5/8, तो 5/8 जो है, 8 तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर किसका है कि नहीं ये पता कर लेते हैं, तो 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिला है क्या जी, 2 2 जब 4 2 8, 2 का प्राइम फैक्टर मिला तो 5/2 के पावर में 3, है ना? तो ये प्राइम फैक्टर किसका बना, 2 का बना। हमने कहा भी था कि 2 का और या फिर 5 का या दोनों, यानी 2 और 5 के लिए कुछ दूसरा होगा प्राइम फैक्टर तो वो टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं। तो इसको देख करके हम बता सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर को देख करके हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है? क्या आती है टर्मिनेटिंग है, सीधी सीधी बात है, ठीक है? तो टर्मिनेटिंग के लिए ये रूल है कि ए रेशनल नंबर पी बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस एज ए टर्मिनेटिंग इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर विल बी प्राइम फैक्टर ऑफ 0.5। 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होगा तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 का प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना? इसका कई एग्जाम्पल है, आप बुक वगैरह में देख करके देख लीजिएगा, हम अब क्वेश्चन कराएंगे भी एनसीईआरटी इसमें दिया है, ठीक है? और रिपीटिंग और रिकरिंग में आपको पता दे कि रिपीटिंग और रिकरिंग के बारे में बात कर दें कि वो रिपीट करेगा, कोई नंबर जो होगा वो बार बार रिपीट करेगा, जैसे में हमने बात किया था कि 10/3, तो 10/3 यानी कि 0. है ना, 10/3 का मतलब ये हुआ 3.33333, तो इसमें 3 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
आगे हम बात करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ पीरियड, ठीक है। जो कुछ कोई नंबर है जो कि रिपीट करता है तो उसका लेंथ क्या चीज है, इसको कैसे हम बात करने जा रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि 15/7 के बारे में अगर बात करें, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के बारे में बात है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के बारे में बात है ना। ये टर्मिनेटिंग का था, आगे है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। इससे पहले हमने बात की ना रिकरिंग, है ना, वो रिपीटिंग वही है, टर्मिनेट भी नहीं करेगा रिकरिंग भी है, रिपीट भी कर रहा है, या सिर्फ रिपीटिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। रिपीटिंग बोलेंगे या सिर्फ रिकरिंग बोलेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग भी नहीं होता है, ये भी नॉन रिकरिंग इसको बोलते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग और ये रिकरिंग है, जब सिर्फ रिकरिंग या फिर सिर्फ रिपीटिंग आप बोल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का, इसमें एग्जाम्पल हम देखे 15/7। तो देखिए ये तो सबसे पहले हम देख कर पता लगा लिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 और 2 में से दोनों में से कोई है ही नहीं, सिर्फ 7 है, और 7 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 7 होता है, 7 into 1 होगा और क्या होगा। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो 15 को अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 2 14, 1 आएगा, पॉइंट डालिएगा तो 0 आएगा, 7 1 7 आएगा, नीचे 3 आएगा, पॉइंट वजह से 0 आया, 7 4 7 4 28, 10 में से 8 गया 2, ये खत्म होगा, पॉइंट की वजह से 0 आया, 7 2 14, 10 में 4 गया 6 आया और ये खत्म हो गया, और जो है फिर 0 आया, 7 8 56, ठीक है, 10 में से 6 गया, यहाँ पर 4 आ गया और ये खत्म हो गया, पॉइंट की वजह से 0 आया, है ना, 7 5 35, और ये 10 में से 5 गया, 5 आ गया और ये खत्म हो गया, 0 आ गया, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1 आया, है ना, ये खत्म हो गया, पॉइंट की वजह से 0 आया, 7 1 7 आया और फिर जो है यहाँ पर 3 आया, है ना, यहाँ पर कितना आया, 3 आया, पॉइंट की वजह से 0 आया, 7 4 28 आया, ठीक है, 28 की वजह से फिर यहाँ पर कितना आया, 2 आया, है ना जी, यहाँ लिख देते हैं हम 28 आया, है ना, यहाँ पर 30 है, 30 है, 28 है, 10 में सड़ गया, 2 आया और ये खत्म हो गया, पॉइंट की वजह से 0 आया, तो फिर 7 2 14, हाँ 10 में से 4 गया 6 आया, उसके बाद से ये खत्म हो गया, पॉइंट की वजह से 0 आया, 7 8 56। देखिए एक चीज यहाँ पर गौर कीजिए कि 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा, ये बार बार रिपीट करेगा, मकसद यही था, देख लीजिए 10 में से 6 गया 4 आया और ये खत्म हो गया, फिर 7 5 35, है ना, या 5 आया ना, इसके बाद तुरंत 5 था, है ना, 10 में से 5 गया 5 आया, उसके बाद से ये खत्म हो गया, 0 7 8 7 7 49 7 आएगा ना, यहाँ पे 7 आएगा ना जी, देखिए तो ये बार बार रिपीट करेगा, है ना, तो जो रिपीट करेगा, अब हम कहना ये चाहते हैं कि ये 15/7 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2.142857, है ना, 1 4 2 8 5 7, और फिर 1 4 2 8 5 7 आ रहा है, तो जो चीज रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम ये बार लगा देंगे, जो चीज रिपीट कर रहा है, ये चीज रिपीट कर रहा है इसको बार लगा देंगे, इसका मतलब ये समझ जाएगा कि ये चीज बार बार रिपीट कर रहा है इसको बार बार लिखेंगे, और ये इसका लेंथ है, इतना लेंथ है, इसी के बारे में बात कर रहा जाता है, ठीक है, कि लेंथ ऑफ पीरियड, ये पीरियड का ये लेंथ है ना, तो इसका लेंथ कितना हुआ, इसका लेंथ हुआ 6। अगर हम बोले नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लेंथ ऑफ पीरियड, यानी कि पीरियड का लेंथ कितना हुआ, तो कहेंगे कि लेंथ ऑफ पीरियड इक्वल टू है कितना, 1 2 3 4 5 6 है, तो कहेंगे 6, ठीक है। यही हमको बताने का मकसद था कि नॉन टर्मिनेटिंग में ये जो है बार का क्या मतलब हुआ, जो रिपीट करता है इसके ऊपर बार लगा देना, ठीक है, ये हो गया। चलिए ये बात समझ में आ गया, कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है रेशनल नंबर का, उसको लिख लिया जाए हेडिंग के हिसाब से, स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशनल नंबर्स,
कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है रेशनल नंबर का, वो क्या क्या है उसको लिख लिया जाए लाइन बाय लाइन। पहला है कि एवरी रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस आइदर एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए जी, हर एक रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में लिख सकते हैं, है ना। लिख देते हैं एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग, यानी कि वो रिपीट करेगा, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो जितने भी रेशनल नंबर है, जैसे हमने बात किया कि 10 बाई 3 के बारे में, तो 3.333333 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसका नाम क्या रखेंगे, हम कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिकरिंग है या फिर रिपीटिंग बोल दीजिए, रिकरिंग, हम रिकरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन वही हम बात करने जा रहे हैं अगर कि 5/2, तो इसको देखकर पता लगा लिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का 2 या 5 कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको देखकर पता लगा कि ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है यानी कि ये टर्मिनेट होगा तो कितना आएगा, तो ये 2 2 4, है ना, 2 2 4 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो पॉइंट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 10 2 5 10, वैसे ही पता है 5 का आधा 2.5 होता है, तो ये क्या है, ये टर्मिनेट कर गया, तो कहेंगे इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, ये बात है, ये अंतर है। तो हर एक रेशनल नंबर, चाहे वो कोई भी हो, वो रेशनल नंबर क्या होता है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा और नहीं तो टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे थोड़ा देख लीजिए, आगे क्या कर रहा है, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सटेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज अ रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जो कि डेसिमल, जिसका डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, वो रेशनल नंबर कहलाता है। वही बात इसको उलट कर बोल रहे हैं कि कोई भी जो है डेसिमल एक्सटेंशन जिसका या तो ये रिपीट करता हो, ये रिपीट कर रहा है, तो ये रेशनल नंबर होगा, या फिर टर्मिनेटर हो तो रेशनल नंबर होगा, दूसरा अलावा कुछ भी होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी होगा, इन दोनों कंडीशन के अलावा कोई दूसरा कंडीशन होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो इरेशनल नंबर में चला जाएगा, ठीक है। चलिए उसको भी देख लिया जाए, क्या रेशनल नंबर को, चलिए उसको भी, तो रेशनल नंबर में कुल मिलाकर यही बात है और कुछ है नहीं, रेशनल नंबर में यही बात है कि जो है कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसको कर लिया जाए, फिर रेशनल नंबर पर चला जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए, है ना, थोड़ा देखा जाए एनसीईआरटी का साइज 1.2 में क्या कह रहा है। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कंप्लीट होगा कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर के बारे में पूरा हम बात कर लिए कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। कोई भी नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग होता है, कोई भी डेसिमल एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, रिपीटिंग है, तो वो रेशनल नंबर होगा, दो ही कंडीशन है रेशनल नंबर होने का, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इसको देखा जाए, तो जैसे कि हमको पता है कि रेशनल नंबर का कंडीशन यह है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और जो है q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q जो दोनों इंटीजर्स में हो, तो उसको ठीक उल्टा इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ए नंबर विच cannot be expressed, जो जिसको हम expressed ही नहीं कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको p/q के फॉर्म में हम expressed नहीं कर सकते हैं,
उसको हम इरेशनल कहते हैं। जहां पर वही कंडीशन लगेगा जहां पर क्या है कि वेयर पी एंड क्यू आर फ्रॉम इंटीजर्स, वो तीनों कंडीशन अगर सूट नहीं कर तभी इरेशनल होगा, है ना। पहला कंडीशन ये है कि जो है पी एंड क्यू को फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरा कंडीशन पी एंड क्यू के इंटीजर्स जो है ना, पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर फ्रॉम इंटीजर्स एंड Q does not equal to zero, यानी ये तीनों कंडीशन अगर सूट नहीं करता है तो कहीं वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा केस कौन सा नंबर होगा जो कि तीनों कंडीशन को सूट नहीं करता है, तो ऐसा हमारे पास नंबर मौजूद है। देखा जाए इसका एग्जांपल, अगर कहते हैं रूट टू, तो रूट टू का जो वैल्यू होता है वो हम लोग अप्रोक्स में लिखते हैं 1.414, असल में इसका वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कमाल की बात बता रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। जैसे 1.414 है ना, तो हो सकता है 5, 6, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 7, 8 ऐसे कुछ आए, कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा है। कोई ऐसा चीज है जो रिपीट कर रहा है? नहीं, कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रहा है ना, वो नॉन जो है नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं और नॉन रिकरिंग भी है ये, है ना। ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिकरिंग भी। इससे पहले रेशनल नंबर में क्या था कि टर्मिनेटिंग नहीं था तो नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिकरिंग था। जैसे हम बात करें 10/3 के बारे में, 10/3 का मतलब क्या, 3.3333, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बात सही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, इसको हम लिख सकते हैं 3 बार, है ना। लेकिन इसको नहीं लिख सकते, क्या चीज इसमें रिपीट कर रहा है कुछ पता होता है नहीं, है ना, इसमें रिपीट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि इरेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल के बारे में अब बोले हैं कि हम 1.01010110111010, है ना, 11110, है ना। तो कोई चीज है जो रिपीट कर रहा है, कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न आपको मिल ही नहीं सकता है, है ना। 5, 7 जो भी हो रिपीट नहीं, कुछ रिपीट नहीं करता। पॉइंट के पास 0 के पास 1 है, फिर 0 के पास 2 है, 2 1 है, 0 के पास 3 तो 1 है, कोई चीज है रिपीट कर रहा है नहीं रिपीट कर रहा है, तो कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, है ना। वैसे जो है इरेशनल नंबर जो पाई है, इसके बारे में बात करना, पाई जो पाई का जो वैल्यू होता है, पाई पाई आर स्क्वायर जो सर्किल में इस्तेमाल किया जाता है, 2πr और पाई आर स्क्वायर, तो वो जो पाई है उस पाई के वैल्यू 22/7, ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो कहेंगे कि जो 22/7 है, जो 22/7 है, ये रेशनल नंबर है, लेकिन जो पाई का वैल्यू है 3.14 जो आया है, ये लिया गया है, ये अप्रोक्स वैल्यू है 3.14, इसका वैल्यू जो है ये 3.14 नहीं होता है, ये इरेशनल नंबर है। जो पाई का वैल्यू 3.14 इरेशनल नंबर है।